स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। भैया आप ये शादी क्यों कर रहे हो? सी विनो, बड़ी माँ चाहते हैं कि तुम रूबी से शादी करो, लेकिन भाई इतनी बड़ी कुर्बानी, आर यू सीरियस? माँ ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, उसके सामने ये कुर्बानी कुछ भी नहीं है। क्या क्या नहीं किया माँ ने मेरे और काजल के लिए, वो खुद कभी माँ नहीं बनी ताकि हमारा प्यार बट ना जाए। अगर माँ जान भी मांगती ना तो भी मैं खुशी खुशी दे देता। खाना तैयार है ना? हाँ। और वो फूल, फूल आ गए? धूल? कौन धूल लेकर आया भाभी? चैताली धूल नहीं, फूल, फूल। फूल? फूल तो नहीं आए, लेकिन आप इतना चिल्ला क्यों रही है? मैं वेरी थोड़ी हूँ। चैताली फोन करके पूछो ना उसे कब आएगा। देखो आज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आज मेरे अंश का शगुन है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा ये लाडला अपना ही फंक्शन छोड़कर गया कहाँ है? काजल अब भैया अपने रूम में है, मेरे हेयर नेल्स मेकअप सब कुछ हो गए और भैया अभी तक तैयार भी नहीं हुए। तू रहने दे, मैं लेकर आती हूँ। अरे तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? जल्दी करना बेटा, रस्में शुरू होने वाली हैं। क्यों नहीं हुआ तो अभी तक तैयार? हो जाऊंगा। कब? शादी होने के बाद? जल्दी करना अंश, वो पहुंचने ही वाली होगी। क्या हुआ अंश, ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़ा है? तुझे तो खुश होना चाहिए ना, जिस देवी को हमें इतने दिनों से ढूंढ रहे थे वो आखिर तेरी दोस्त ही निकली। लाख लाख शुक्र है कि वो दैविक हमें तेरी राहु महादशा शुरू होने से पहले मिल गई। शादी हो जाए सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ तो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता, और मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तेरे साथ जबरदस्ती कर रही हूँ, लेकिन तू ये समझता है ना, तू ये जानता है ना कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब सिर्फ तेरे भले के लिए हो रहा है।
मेरे लिए मेरी भलाई से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी माँ की खुशी है, और ये शादी मैं सिर्फ आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। Oh my God, बिल्कुल मेरे जितनी गॉर्जियस लग रही है। हमें तो लगा था जैसे दैविक हमें मिलेगी ही नहीं, लेकिन माता रानी की कृपा तो देखो, दैविक मिल भी गई, और अंश की राहु की महादशा शुरू होने से पहले दोनों की शादी भी हो रही है। सच रूबी, मुझे पूरा यकीन है जिस दिन तुम्हारे शुभ कदम हमारे घर में पड़ेंगे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए शगुन की रस्म शुरू करते हैं। आओ बेटा। ये दिए कैसे बुझ गए और सारे फूल भी काले पड़ गए, वो भी दैविक के यहां होते हुए। अगर माँ मुझसे देख लेगी तो फिर से राहु महादशा के साथ जोड़ देगी और घबरा जाएगी। तो ठीक हो गया, वो भी अपने आप। पता नहीं कुछ दिनों से अजीब अजीब इंसिडेंट्स हो रहे हैं मेरे साथ, शायद माँ सही कह रही है, ये राहु महादशा का असर है, और दैविक से शादी करने के बाद ही ये सब सही होगा। ये देखिए पंडित जी, सारे फूल काले पड़ गए, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। हम अंश की शादी दैविक से करवा रहे हैं, दैविक हमारे घर पर है, लेकिन फिर भी फूल काले पड़ गए, इसका क्या मतलब है पंडित जी? इसका मतलब ये है वैश्री जी के गायन की काली नजर अंश पर पड़ चुके हैं, और वो इस समय इसी घर में है। क्या गायन हमारे घर में? पंडित जी ये आप क्या कह रहे हैं? शेखर जी, मैं मात्र संकेतों की बात कर रहा हूं। दियों का बुझना, फूलों का काला पड़ना, ये इस बात का संकेत है कि काली शक्ति यहीं आसपास कहीं है, उसका प्रमाण है। हे भगवान, इसका मतलब अब हमें अंश की शादी में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। उससे पहले कि डायन की नजर मेरे अंश पर पड़े, हमें उसकी शादी दैविक से करवा देनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अंश की शादी आज ही करवा देते हैं। आज शगुन है, शादी कैसे जी? हाँ तो शगुन के बाद शादी करवा देते हैं ना, सारे मेहमान भी आए हुए हैं ना। बात को समझने की कोशिश करो जी, हमारे मेहमान आ चुके हैं, लड़की वालों के मेहमानों का क्या? जो लोग शादी वाले दिन आने वाले थे वो लोग आज कैसे पहुँचेंगे? अरे तो रिश्तेदारों के बगैर शादी नहीं होती क्या? अब मैं अपने बेटे के बारे में सोचूं या रूबी के रिश्तेदारों के बारे में? रितेश्री, बात को समझने की कोशिश करो। नहीं नहीं, रिश्तेदारी है जी, हमारे तरफ से सारे मेहमान होंगे और उनकी तरफ से कोई नहीं होगा तो सोचो रूबी के घर वालों को कितना बुरा लगेगा। लेकिन नहीं वेदश्री, हम सब लोग आज यहाँ
शगुन के लिए इकट्ठा हुए हैं और आज शगुन ही होगा, शादी नहीं। शादी आज नहीं तो कल तो कर सकते हैं ना, अभी शगुन कर लेते हैं फिर शाम को मेहंदी कर लेंगे। और तुम बात कर, इसके लिए मना मत कीजिएगा शेखर जी। देखिए मैं अब अपने बेटे की शादी में और देर नहीं करना चाहती, मना मत कीजिएगा। ये मुझे तुम तक पहुंचाएगा। झुमका गिरा रे, ये झुमका किसका है भैया? पता नहीं, मेरी शेरवानी से गिरा है। ओ, आपकी शेरवानी से गिरा है तो पक्का रूबी का होगा। अनलेस तेरी कोई सीक्रेट लाइफ है जिसके बारे में हमें कुछ ना पता हो। क्या बात है भाई, शादी से पहले ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तैयारी। अरे अरे, लाले पड़ गए? किसके लाले पड़ गए भाभी? लाले नहीं चैताली, फूल काले पड़ गए। काले फूल काले पड़ गए, कैसे? पता नहीं, लेकिन पंडित जी ने कहा है ये अच्छा संकेत नहीं है। भाभी प्लीज, आप परेशान मत हो, दैविक हमारी अंश की जिंदगी में आ चुकी है, अब तो शादी भी हो रही है उनकी। शादी हुई तो नहीं है ना, और जब तक शादी नहीं हो जाती अंश पर खतरा बना रहेगा। हम सब जानते हैं 20 साल पहले क्या हुआ था। ने कहा था कि उसकी बुरी नजर हमारे घर परिवार का पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। कुछ नहीं है, तुम परेशान मत हो, शुगर बढ़ जाएगी और मोहना वहां से नहीं निकल सकती। जहां तक फूल के काले पड़ने का सवाल है, पंडित जी पता कर रहे हैं ना कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। हाँ भाभी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वैश्री जी, पंडित जी, आपने कहा था ना कि हमारे घर में डायन आ चुकी है, क्या कोई तरीका नहीं है ये पता लगाने का कि डायन कौन है? जी एक रास्ता है। भैया आप ये शादी क्यों कर रहे हो? सी, वी नो बड़ी माँ चाहते हैं कि तुम रूबी से शादी करो, लेकिन भाई इतनी बड़ी कुर्बानी, आर यू सीरियस? माँ ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, उसके सामने ये कुर्बानी कुछ भी नहीं है। क्या क्या नहीं किया माँ ने मेरे और काजल के लिए, वो खुद कभी माँ नहीं बनी ताकि हमारा प्यार बटना जाए। अगर माँ जान भी मांगती ना तो भी मैं खुशी खुशी दे देता। और वैसे भी रूबी से शादी करना सुसाइड से कम है क्या? शट अप ऋषि, चले अब वो इयररिंग देना। इयररिंग ये लो। आर यू मैड, फेंक क्यों दिया इसे? जब तुझे पता ही नहीं है ये इयररिंग किसका है तो क्या फर्क पड़ता है? या राइट, चले। हाँ, चले। कलश में क्या है? इसमें गंगा जल और जवा कुसुम का मिश्रण है, इसे पता चल जाएगा डायन कौन है। कैसे पंडित जी? बता दो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताम् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसे ही डायन इस मिश्रण के संपर्क में आएगी, वो इस मिश्रण की शक्ति को झेल नहीं पाएगी और हमें पता चल जाएगा कि डायन कौन है। आप निश्चिंत रहें, अब हम सभी को चौकन्ना रहना होगा और सभी मेहमानों पर नजर रखनी होगी कि कहीं उनमें से कोई डायन तो नहीं है। आइए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।